देखिए कोर्ट ने आज सम्मन किया था सीएम साहब को, और सीएम साहब ने पिछली बार क्योंकि वीसी से अटेंड किया था तो सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपियर हूँगा, उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपियर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई और उसके बाद सीएम साहब क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही हैं तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपियर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद सीएम साहब निकल गए। आगे क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, क्योंकि ईडी लगातार आरोप लगाती रही है कि ईडी समन का देखिए ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल है, तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है, हम लोगों को कोर्ट में पूरा फेथ है, ईडी भी कोर्ट में आ गई है तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा होगा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। देखिए 174 की कंप्लेंट है, ये इसमें एक महीने की सजा है, 500 रुपए जुर्माना है, बेलेबल ऑफेंस है। और दूसरी बात, केजरीवाल जी ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये गैर वाजिब केस था, इसलिए यहाँ हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हमारी आर्गुमेंट 1 तारीख को होगी, 1 अप्रैल को, आज जमानत एक्सेप्ट कर ली है और वो चले गए यहाँ से। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।